ये डेफिनेटली वैसा चिली ऑयल नहीं है जैसे मैंने खाया था बाहर। ये चीज़ है, ये पिज्ज़ा है, ये चीज़ पिज्ज़ा है। ठीक है, ये चीज़ पिज्ज़ा, ये अच्छा चीज़ पिज्ज़ा है लेकिन इसमें चीज़ कहाँ है? भाई, मेरे हिसाब से। तो यार बात है कुछ ऐसी, देहरादून में खुल चुका है सोशल, और मैंने जितने भी सोशल ट्राई करे हैं भाई उनका खाना बेहतरीन होता है। तो देहरादून का भी सोशल का खाना बनता था भाई, ट्राई करना। तो इनका मैं मेन्यू देख रहा था, मेन्यू में मेरे को दिखा द फोर चीज़ पिज़्ज़ा, और इससे मुझे एक ही आउटलेट याद आया और वो है डोमिनोज। तो मैंने सोचा कि एक दो आइटम्स और मंगा के इन दोनों में कंपैरिजन वीडियो ही बना लेते हैं, क्योंकि मेरे लास्ट बर्थडे वाले मकबैंग में पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट किया था कि आज की वीडियो में तो डोमिनोज होना बनता था, तो आज की वीडियो में कर लेते हैं। तो सोशल से है मेरे पास इनका द फोर चीज पिज्जा, थिन क्रस्ट में है ये, साथ में इनका द क्लासिक मैक एंड चीज पास्ता जो कि एक बेहतरीन ब्रेड के साथ आ रखा है। डेजर्ट में मैंने मंगा रखा है इनका द लेयर केक, ऐसे कुछ नाम था इसका, जिसके साथ लिक्विड चॉकलेट मिल रखी है जो हम एंड में इसके ऊपर डालेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। वही डोमिनोज से है मेरे पास इनका फेमस द फोर चीज पिज्जा, दिखने में बेहद ही बेहतरीन। पीछे की साइड है मोरक्कन स्पाइसी पास्ता, दो चीजी डिप्स हैं, एक जिनकी पार्सल है, और इनका चोको लावा केक है। और क्योंकि अपने हांगकांग के एक्सपीरियंस से मेरे को पता चला है कि चिली ऑयल पिज्जा के साथ बहुत बेहतरीन लगता है, आज इसी के साथ हम पिज्जा को ट्राई करेंगे। विदाउट एनी फर्दर ado, फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ। सबसे पहले करते हैं कि पास्ता से स्टार्ट, द क्लासिक मैक एंड चीज, थोड़ा सा इसमें ऑरिगैनो भी डाल देते हैं भाई। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। यार मैक एंड चीज बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्वांटिटी जितनी मैंने अभी इसमें निकाल रखी है इतनी ही और बची हुई है इसकी, ज़रा इनका ब्रेड ट्राई करके देखते हैं। परफेक्शन देख लो, नीचे से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। अब करते हैं ट्राई अपना डोमिनोज का मरकन स्पाइसी पास्ता वेज। इसको मैं पर्सनल प्रेफरेंस पे दूंगा, मैक एंड चीज में इतनी चीजें डलती नहीं है, चीज के अलावा और मैक्रोनी के अलावा बहुत ही कम आइटम्स डलते हैं। बट ये जो पास्ता है इसमें कैप्सिकम भी डाल रखे हैं, अनियन भी डाल रखे हैं, ऑलिव्स भी डाल रखे हैं, और पता नहीं चीज भी डाल रखा है शायद से, तो एक बहुत ही टैंगी फ्लेवर आ रहा है। और टैंगी मतलब ठीक है, अच्छा लगता है मान में। क्या हो भाई, स्टार्ट कर ले भाई, खाली पास्ता ट्राई किया। अब जरा ट्राई कर लेते हैं सोशल का द फोर चीज पिज्जा। इसकी शक्ल देखो ऐसी दिखा रखी है, ऊपर से बेजिल लीव्स वगैरह हैं जो कि अपने पिज्जा में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। शक्ल से ये पिज्जा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज़ इसमें है भाई अपना मोज़रेला, चेडर, पार्मेजान एंड ग्रेट चीज टॉपिंग विद गार्लिक। भाई क्या हुआ? अरे मेरे को चटनी करना है, अगर वो पास्ता मेरे को लगा बहुत बेकार लगेगा। बहुत बढ़िया हो रहा है, बेकार ट्राई कर लो, कर लो भाई। कल बुआ के वहाँ जाना है, ब्लैक पर ब्लैक पर। इससे क्या हो रहा है, ये देख लो, छोटे छोटे से चीज के कण दिखाई दे रहे होंगे आपको, पता नहीं फोर चीज इसको कैसे बोल दिया गया है। बट एनीवे अपने रोस्टेड चिली ऑयल के साथ जरा इसे ट्राई करके देखते हैं। भाई यार अब देखो जरा इसकी शक्ल क्या बेहतरीन लग रहा है, लेट्स सी हाउ इट इज।
रोस्टेड चिली ऑयल भाई, ये सही में बहुत ज़्यादा स्पाइसी यार। और वो भी पता कैसे स्पाइसी है, जैसे लाल मिर्चें सूखती नहीं है छतों में, उनसे जो मतलब उनका जो धसका पड़ता है कभी कभार ना, स्मेल आती है नाक में चढ़ जाती है, वैसा इसका टेस्ट है। ये डेफिनेटली वैसा चिली ऑयल नहीं है जैसे मैंने खाया था बाहर। प्लीज़ मुझे कोई चिली ऑयल सजेस्ट करना कौन सा सही रहेगा। अब ज़रा करते हैं अपना द फोर चीज़ पिज़्ज़ा ट्राई। द फोर चीज़ पिज़्ज़ा, आज मैंने एक्स्ट्रा चीज़ भी करवा रखा है और इसे अब ज़रा चीज़ी डिप के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि ऑथेंटिक पिज़्ज़ा ये भी नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ डाल रखा है, क्योंकि हम लोगों का टेस्ट वैसा डेवलप हो रखा है तो हमें अच्छा लगता है। बट एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा के लिए भी जो मतलब ट्राई कर रहे हैं कि ऑथेंटिक पिज़्ज़ा बनाएं, उनके लिए भी मैं एक बात बोलूँगा, अगर वो किसी पिज़्ज़ा का नाम रख रहे हैं द फोर चीज़ पिज़्ज़ा, इसका मतलब ये नहीं कि नाम मात्र के लिए बाकी के तीन चीज़ें डाल देना है, एक मोज़रेला दिख रहा है और बाकी के ऐसे डाल दिए नाम मात्र के लिए, अगर उन तीन चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर किस बात का द फोर चीज़ पिज़्ज़ा। हेलो, क्या फ़ायदा है अगर मेरे को आपका पिज़्ज़ा आपके पास से आकर साथ खाना पड़ रहा है। अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ बस। देखो ये है इसकी बेस लेयर जिसमें पिज़्ज़ा सॉस वगैरह डाल रखा है, और ये रही इसकी चीज़ की लेयर। तो चार तरह के चीज़ ये थिन लेयर में है। ये तो वही बात हो गई, समुद्र भर सिलेबस, नदियाँ भर पढ़ पाता हूँ, बाल्टी भर याद रहता है, मग्गा भर लिख पाता हूँ, चिल्लू भर मार्क्स आते हैं, आओ चलो उसी में डूब मर जाते हैं। फोर चीज़ पिज़्ज़ा बोल रखा है, डाला पता नहीं कितना होगा, टेस्ट न जाने कितने का आ रहा है, उस शरीर में न जाने कितना लगेगा। उसके बाद ट्राई कर लेते हैं। सोशल के पिज्जा से काफी गुना अच्छा इनका ये पास्ता हो रहा है। जो मैंने पढ़ा है उसमें ये था कि जो भी एंड का पास्ता बचता है तो उसको मतलब क्लेंस करने के लिए ब्रेड को यूज़ किया जाता है, जैसे हम घर में करते हैं रोटी के साथ वैसा। बट मुझे ये ब्रेड हमेशा से ऐसे ज़्यादा पसंद आती है कि पास्ता में ऊपर रखूँ। हाँ वैसे देखा जाए तो ऐसा पिज्ज़ा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इंडिया में इन लोगों ने अपना टेस्ट डेवलप करवा दिया है ऑडियंस को, हम जैसे ऑडियंस को।
फोर चीज पिज्जा के साथ एक रिस्क होता है, सबकी चीज़ के लिए एक टॉलरेंस पावर होती है कि कौन कितना चीज़ झेल सकता है। ये चीज़ एक्सट्रीम में है भाई, इतना हैवी होता है ना ये पिज़्ज़ा, वीडियो में दिखने में बहुत छोटा लगता है। भान भाई को बुलाते हैं, उनका बहुत मन लग रहा था मुझे। आ जाओ भाई। क्यों? अरे थोड़ा थोड़ा चख लो यार, बढ़िया हो रहा है। साइड में चख लेना, तेरे मुखबंग के पास कुछ नहीं बच रहा। मुश्किल लग रहा है, बड़ा वाला स्लाइस खा लेते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे निकलना है दिल्ली। हाँ हाँ, बाहर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये वाला, देखते हैं। सोशल वाला पेल गया, वेरी नाइस, पूरा खा गया। दिल्ली वाला यार ऐसा नहीं होता जैसा ये हो रहा है, नकली है मतलब वैसा नहीं है ये। हाँ बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट एनहांस नहीं कर रहा है। वो बचा कुछ और ही करना है कुछ? ड्राई हो गया यार ये पिज्जा है ना। ये शायद फ्रेश फ्रेश अच्छा लग रहा होगा, फ्रेश में भी अच्छा लगने की फीलिंग्स ही नहीं आ रही मुझे। तो वैसा नहीं है कि चीज़ वाला जोड़े, तो चार चीज़ का एटलीस्ट टेस्ट आए। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है उसका, चीज़ चूज़ का, सिर्फ सिंपल पिज्ज़ा जैसा देखूँ तो अच्छा है। ब्रेड तो सही में रहती है यार, नीचे से सॉफ्ट है ऊपर से क्रंची है, वो अच्छी बात है। मेरे पास्ता के साथ अच्छी लगेगी। तो पास्ता के साथ ही तो खाइए आपने। डोमिनोज तो खैर चीज़ की बारिश ही कर देते। तो बहुत चीज़ है इसमें, भर भर के चीज़ डाल रहा है उसमें। ये चीज़ है, ये पिज्ज़ा है। ये चीज़ पिज्ज़ा है, ठीक है ये चीज़ पिज्ज़ा, ये अच्छा चीज़ पिज्ज़ा है। मतलब पिज़्ज़ा वाला पिज़्ज़ा सिर्फ ये थोड़ी है, पिज़्ज़ा का मतलब कि गोल चीज़ पिज़्ज़ा होती है। बिल्कुल, फ्लेवर भी एक बात होती है ना वो उसमें। बड़ी अच्छा है चीज़, जिसको पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है खा के, झूठ नहीं बोलूँगा। मगर मुझे पास्ता डोमिनोज़ का ज़्यादा अच्छा लगा। इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है, मुझे पिज्ज़ा इनका पसंद आया, भन भाई को इनका पसंद आया, मुझे पास्ता इनका पसंद आया, भन भाई को इनका पसंद आया। डेजर्ट टाई ब्रेकर कर लें तो यार ये है इनका लेयर केक, इसके साथ ही लिक्विड चॉकलेट मिल रखी है जो अब अपन इसमें डाल देंगे। ऊपर जो वाइट लेयर दिख रही है ये थोड़ी हार्ड है, बाकी काफ़ी सॉफ्ट लेयर्स हैं, बट न जाने क्यों मुझे इसमें कोरियन सॉस का हल्का सा टेस्ट आ रहा है। डोमिनोज का चोकोलावा ट्राई करते हैं। ओहो, मुझे लग रहा है चिली ऑयल खा के मेरे टेस्ट बड को कुछ हो गया। इसमें भी वैसे टेस्ट आ रहा है कोरियन सॉस का, वैसा नहीं आ रहा बट मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया आज इसमें, डिफरेंट टेस्ट है ना वही का, मतलब मेरे टेस्ट बड़ सही है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि बासी टेस्ट है, मतलब कुछ अजीब है, ऑफ है कुछ। ओके हाँ हाँ भाई, क्या लाइट है यार ये तो। ये तो यही बेटर है बट ये भी नहीं, अगर ये अच्छा भी होता ये भी मेरे को टू द फुलेस्ट नहीं लग रहा है। बट अगर आज चोकोलावा अच्छा भी बना होता, जो कुछ गड़बड़ हो रखी है पता नहीं क्या, अलग टेस्ट आ रहा है, तब भी मैं उसी को, क्योंकि भाई इतना फ्लफी और लाइट है ना। ये देख लो भाई, क्रीम का फ्रॉथ है। अब वो अरे वही चीज़ उसमें मज़ा आ रहा है खाने में। डेफिनेटली चोकोलावा से तो बेटर है बट थोड़ा प्राइस में मैं फिर है। वो कितनों का बोला? 250 का है। ओ माई गॉड, तब तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। 250 100 ना खाओ, इसका एक बाइट में फिर निपटा रहा हूँ भाई। तू वीडियो ख़त्म कर दे, नीचे काम है क्योंकि ना।
तू छोड़ दे इसको। ना ना मैं वीडियो में नहीं छोड़ सकता। बच्ची भी चॉकलेट डालनी थी इसमें। तू मैं चाट गया पहले। क्या बात कर रहे है? तू उसके भरोसे बैठा था क्या? बे भाई जैसा भान मैंने बोला, अगर वो अपने बेस्ट में भी होता तो भी ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। एनीवे लास्ट बाइट इसकी शक्ल देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, लग रहा था। ले जा लो ना भाई ये सब। यस ये समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो विजेता सोशल को ठहरा दिया जाए, अगर पिज़्ज़ा को हम डोमिनोज को भी दे दें, अगर खाली मेरी बात मानी जाए तो मुझे पास्ता भी सोशल का अच्छा लगा और डेजर्ट भी सोशल का अच्छा लगा। तो आज की इस वीडियो में देहरादून का सोशल जीत चुका है फ्लाइंग कलर्स के साथ। और इनके आज के इन आइटम्स ने मुझे क्यूरियस कर दिया ये देखने के लिए कि बाकी के आइटम्स देहरादून सोशल के कैसे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई वीडियो चाहिए जिसमें उनके फेमस आइटम्स मैं रखूं और उनको रिव्यू करूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।